मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिंत्रा इंत्रा बोहेमियन हो बोहेमियन में क्या क्या बोल रही हूँ। हे गाइस हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी अपने अपने घर पर सेफ होगे। घर पर रहो तो ही सेफ रहोगे। और आज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे आप लोगों से सामने फेस टू फेस ऐसे कैमरे में प्रोफेशनली बात कर रही हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, यही तो हमारी रूट थी, हमने यहीं से तो स्टार्ट किया था। और आज का ये वीडियो किस बारे में होने वाला है, ऑब्वियसली आप लोगों को टाइटल देखकर पता चल गया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बकबक करना चाहती हूँ इस वीडियो को लेकर के, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज काइंडली बेयर विथ मी और थोड़ी सी मेरी बकबक सुन लीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आई नो मैं ऑलरेडी इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि जब शीन इंडिया में बैन हुआ था तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने धड़ाधड़ वीडियो यूट्यूब पर दे मारी थी शीन ऑल्टरनेटिव हॉल करके। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज अच्छे थे, लाइक ऑनेस्ट थे, ट्रू थे, बट मैंने बहुत सारे वीडियो से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैं अपने चैनल पे कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहती थी जो कि फॉल्स हो और फॉर द शेक ऑफ व्यूज हो ओनली, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ऐसे भी व्यूज बहुत ज्यादा आते नहीं है, तो मैं क्या ही व्यूज का लालच करूंगी। तो मैंने बहुत ज्यादा जांच पड़ताल की, बहुत ज्यादा छानबीन की, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूंगी। और एक बात कि यस आई एम द फैन ऑफ शीन, बट ओनली शीन क्लोथ्स। शीन ज्वेलरीज मुझे कभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है शीन ज्वेलरीज के बारे में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग प्लीज जाके उसे चेक कर लेना। और शीन में आई नो ज्वेलरीज बहुत ज्यादा सस्ती मिलती हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडी मिलती हैं, डेंटी पीसेस मिलती हैं, बट दे आर नॉट वर्थ इट, बिलीव मी। मैंने एक ज्वेलरी ली थी, मैं यहाँ बगल में पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, मैंने केवल एक दिन पहना था, बिलीव मी गाइज, एंड दे गेट टार्निश्ड, आई वॉज सो लाइक पिस्ड ऑफ। और उसमें जो शेल्स लगे थे ना, मैं चल रही हूँ और वो शेल्स गिरे जा रहे हैं, यार मैं घूमू या शेल्स चुनते रहूं, बट फिर भी मैंने चुन लिया क्योंकि गरीब लोग, मैं क्या ही बोलूं, अब मैंने एक दिन भी नहीं पहना यार, मैं कैसे शेल्स बर्बाद होने दूं। उसके बाद मैंने चुना, घर आकर वापस से मैंने सबको अटैच किया, फिर अभी भी मैं कान चला ले रही हूँ एंगलेट का। बट ठीक है, शीन में ज्वेलरी सस्ती मिलती है, बट दे आर नॉट टिकाऊ, दे आर नॉट वर्थ इट। तो मैं कहूंगी कि जो भी अभी मैं सजेस्ट करने वाली हूँ, या दे आर क्वाइट कॉस्टलियर देन शीन, बट दे आर वर्थ इट। तो आप जो 100 रुपए में शीन की ज्वेलरी खरीदोगे जो कि एक दिन के बाद टार्निश्ड हो जाएंगी या बेकार हो जाएंगी, या फिर मे भी बहुत ज्यादा अच्छी जैसे दिखे वैसी आए भी नहीं, तो इससे बेहतर है कि आप 150 रुपए एक्स्ट्रा लगा के या 100 रुपए एक्स्ट्रा लगाकर दूसरी जगह से ज्वेलरी लो, कि एटलीस्ट आपकी ज्वेलरी एक साल चलेगी। शीन के क्लोथ्स अच्छे हैं, नो डाउट, उसके ऑल्टरनेटिव वीडियोस भी आने वाले हैं, बट आज चलो पहले स्टार्ट शुभारंभ इसी वीडियो से करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। डेडिकेशन लेवल देख रहे हो ना लड़की की, तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखना और देखने के बाद लाइक भी कर दो यार, 500 तो व्यूज ही आते हो, उसमें 50 लाइक देते हो यार, 100 तक तो पहुंचा दो। तो चलो जोक्स अपार्ट, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मिंत्रा से। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिंत्रा में मुझे इतने ट्रेंडी पीसेस मिलेंगे, लाइक मे बी मैंने मिंत्रा पर कभी ध्यान नहीं दिया। आई नो मिंत्रा पे अच्छे क्लोथ्स मिलते हैं, अच्छे ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं, बट इतनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी के पीसेस, इंडियन ज्वेलरीज मुझे दिखे थे, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि गोल्डन डेंटी पीसेस भी मिंत्रा, शेल पीसेस, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लाइक ट्रेंडी पीसेस मिंत्रा पे मिल सकते हैं, वो भी अच्छे रेट में। और थोड़े बहुत ज्वेलरीज के रेट थोड़े हाई होते हैं, बट कोई बात नहीं, मिंत्रा पे बहुत सारे सेल्स और ऑफर्स तो आए दिन आते रहते हैं, आप वेट करो और मंगवा सकते हो मिंत्रा पर। तो मिंत्रा पे कुछ ब्रांड्स हैं जिनको स्पेशली मैं मेंशन करना चाहती हूँ। जैसे पहला ब्रांड है जस्ट पीची, तो जो जस्ट पीची है ना, इसके जो ज्वेलरीज है उनकी क्वालिटीज A1, मैंने रिव्यूज चेक करा है, और साथ ही साथ हर टाइप की ज्वेलरीज इनके पास मिलती है, पर्ल वाली ज्वेलरीज मिलेंगी, गोल्डन डेंटी पीसेस मिलेंगी, कॉइन वाली ज्वेलरीज मिलेंगी, शेल्स वाले ज्वेलरीज मिलेंगी, जो कि आप वेकेशन पर, बीचेस पर, हर जगह पहन सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ब्रांड है दैट इज मैडामे, मैडम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, MADAME, और बगल में आपको पिक्चर और वीडियो मैं इंसर्ट कर दूंगी। इनके पास भी A1 क्वालिटीज के ज्वेलरी मिलते हैं, डेंटी पीसेस मिलते हैं, हर वेराइटी के ज्वेलरीज मिलते हैं, और आपको क्या ही चाहिए अच्छे रेट में। उसके बाद थर्ड जो ब्रांड है दैट इज बेला फॉक्स, बेला फॉक्स के ज्वेलरीज भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ज्वेलरीज के वेराइटीज में इनमें ज्यादा अंतर नहीं है मिंत्रा पे जितने भी ब्रांड्स हैं, बस ब्रांड्स का डिफरेंस है, प्राइस रेट भी सेम ही है, डिजाइन भी सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांड है इसको मैं स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ, टोनिक, TONIQ, टोनिक, ठीक है। इस ब्रांड पे जो चोकर्स मिलते हैं, ओ माय गॉड, चोकर्स बोलो या फिर चेन बोलो या पेंडेंट बोलो, जो भी आपकी मर्जी वैसा बोल लो, जो
मिलते हैं ना, लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ. मैं ना लाइक जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि मैं कब मंगवा लूँ, और अभी मैं पॉकेट मनी इकट्ठा कर रही हूँ और मैं प्लान कर रही हूँ मैं मिंत्रा से बहुत सारी ज्वेलरीज एक साथ ऑर्डर करूँ, उसके बाद मैं आपके साथ एक अच्छा सा रिव्यू केवल मिंत्रा बेस्ड ज्वेलरीज पर ही शेयर करूँ. और टोनिक के जो प्राइसेस होते हैं वो क्वाइट हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, बट दे आर वर्थ इट. टोनिक के बाद है प्रीता. प्रीता की ज्वेलरीज भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे मिलते हैं, गोल्डन डेंटी पीसेज विथ पर्ल डिटेलिंग, कॉइंस वाले पेंडेंट, चेन्स, क्या नहीं मिलते हैं. उसके बाद ससाफराज जो छठा ब्रांड है, ससाफराज के कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं. आप सबको पता ही होगा, टी शर्ट हो जाए या फिर कुर्ती हो जाए या वन पीसेज हो जाए, और ससाफराज की जो ज्वेलरीज होती है वो भी A1 क्वालिटी की होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांड है ससाफराज की तरह ही ब्लूबेरी के कपड़े भी मिलते हैं और ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी मिलती है. उसके बाद ये हो गई मिंत्रा की बात खत्म. मिंत्रा के बाद आते हैं हम लाइम रोड पर. लाइम रोड पर बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आप लोगों को ज्वेलरी की, बट आपको शीन की ऑल्टरनेटिव ज्वेलरीज, कुछ ज्वेलरीज आपको मिल जाएंगी. तो मे बी जो आपको ज्वेलरी चाहिए होगी मे बी वही लिमिटेड कलेक्शन में से मिल जाए. प्राइस रेट इसकी क्वाइट डिसेंट है, बहुत हाई नहीं है बहुत लो नहीं है. अच्छी ज्वेलरीज अच्छी क्वालिटीज में आपको लाइम रोड पर मिल जाएंगी. लाइम रोड के बाद एच एन एम आप लोगों को पता ही है बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज देता है, बट द ओनली प्रॉब्लम इसकी जो रेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, तो वी जस्ट कांट अफोर्ड. बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. उसके बाद है Forever 21. रिसेंटली मैंने Forever 21 से कुछ ज्वेलरीज मंगाई है, ज्वेलरीज नहीं स्पेशली मैंने नेक पीसेस मंगवाए हैं, एंड दे आर ऑसम. 100-150 शीन के कंपैरेटिवली मुझे एक्स्ट्रा पैसे लगे, बट दे आर वर्थ इट. मेरे को और 100 लगेंगे ना नेक्स्ट टाइम, तो मैं और भी 100 दे दूंगी, पर इतने अच्छे क्वालिटी के ज्वेलरीज मैं मिस नहीं करूंगी. लेट मी शो यू, ये मैंने एक नेक पीस मंगवाया है गाइज, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, ये क्या दिखती है. लाइक सीरियसली जब शीन की ज्वेलरी अराइव होती थी ना, और जब ये ज्वेलरी अराइव हुई थी, क्वालिटी मैटर्स. महंगा महंगा ही होता है, सस्ता सस्ता ही होता है. वैसे ही मैं शीन की कभी बहुत ज्यादा फैन नहीं थी. जो सेकंड ज्वेलरी है वो ये है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. और जो थर्ड ज्वेलरी है ये यहाँ पर टैंगल्ड हो गई है, बट कोई बात नहीं, मैं पिक्चर्स बगल में इंसर्ट कर लूंगी. दे ऑल आर ऑफ ऑसम क्वालिटी, और आप प्लीज जाकर चेक करो. या इसकी भी प्राइस रेट थोड़ी सी हाई है, बट सेल्स और ऑफर्स तो आते रहते हैं, तो प्राइस के बारे में तो ज्यादा सोचना नहीं है. और जो शीन की ज्वेलरी आप 200 में दो खरीदोगे ना, उससे बढ़िया है कि आप 200 रुपए इकट्ठा करो और उसके बदले ये एक ले लो. दे आर वर्थ इट. पता नहीं मैं कितना बार बोलूंगी वर्थ इट, बट रियली दे आर वर्थ इट. तो मैं कहूंगी दे आर वर्थ इट, अब मैं इरिटेट नहीं करूंगी, आगे बढ़ती हूँ. उसके बाद है माई नायका. आई नो मेकअप ब्रांड है, बट अब में से बहुत लोगों को पता होगा कि वो अब कपड़े और ज्वेलरीज भी कलेक्शन रखते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ट्रेंडी पीसेस रहते हैं. माई नायका के जो ज्वेलरीज है दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि Forever 21 में भी ये वाली पीसेस मुझे 499 की मिली थी, लाइक इसकी एग्जैक्ट रेट थी, बट ऑफर में मुझे ये 375 समथिंग की, मतलब 350 की मुझे पड़ी थी. पर मायनाइका की जो पतली ज्वेलरीज होती है ना, जो ऐसी होती है, वो भी 600-700 की है, बट डिजाइन और क्वालिटी उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मायनाइका को भी चेक कर सकते हो. उसके बाद ये हो गई सारी जो भी शॉपिंग एप्स थे वो. उसके बाद अब बारी आती है इंस्टा स्टोर्स की. तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी स्टोर्स हैं जहां बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिलती है, तो उसमें से मैं कुछ स्टोर्स को मेंशन करना चाहती हूँ. ऑफकोर्स इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई नो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई दे आर गोइंग टू स्पॉन्सर मी, लाइक हाँ ठीक है कभी करेंगे बट अभी नहीं किया उन्होंने. तो जो पहला इंस्टा स्टोर है दैट इज ओश्री एसेसरीज. यार ये ओश्री एसेसरीज के पास कलेक्शन है, आप देखोगे तो आप पागल हो जाओगे, क्या नहीं है इनके पास. इनके पास इंडियन ज्वेलरी, बोहेमियन ज्वेलरी, डेंटी पीसेस, पर्ल ज्वेलरी, शीशेल ज्वेलरी, हुप्स, व्हाट नॉट, मतलब इनके पास सारा कुछ है, और वो भी इतने ज्यादा अच्छे क्वालिटीज की कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. इनके जो झुमके, स्पेशली जो सिल्वर कलर की जो चांद बालियां आते हैं और जो सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना, दे आर टू डाई फॉर. आप प्लीज जाओ और इससे चेक करो. उसके बाद जो सेकेंड इंस्टा स्टोर है दैट इज मापरा ज्वेलरी. मापरा ज्वेलरी के पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है, और दे मेक श्योर कि इनके कस्टमर्स को टाइम पर डिलीवरी मिल जाए, और साथ ही साथ क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज. उसके बाद गाइज यही थी इंस्टा स्टोर जो कि मुझे अच्छी लगी और मुझे मिली. बाकी मैं एक ब्रांड को स्पेशल मेंशन देना चाहती हूँ, वो है everstylish.com.
और everstylish.com से मैंने कुछ ज्वेलरी मंगवाई थी आज से 2-3 महीने पहले लॉकडाउन के टाइम पर ही. और ये जो इनकी जो ज्वेलरीज की डिजाइंस होती है दे आर लाइक 98% शीन के जैसे ही, बट क्वालिटी वाइज वे आर टट्टी, लाइक बहुत गंदे. और इनकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा चीप है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, और क्वालिटी भी उतनी ही चीप है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. तो ये कोई हेट वीडियो नहीं है, बट जो ट्रू है सो ट्रू है. आप पब्लिक को बेवकूफ बनाकर तो कुछ नहीं खरीद सकते हो ना, कि कम प्राइस में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इसलिए लोग आपसे मंगवा लेंगे, उसके बाद आप गायब. उसके बाद यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी कुछ नहीं है, नथिंग. मतलब शीन की जो एक मेरे पास रिंग आई थी जो चूरन वाली रिंग थी, मैंने आप लोगों को बताया होगा, दीज आर दोज रिंग जो कि मैंने आज तक कभी नहीं पहने और मैं कभी पहनूंगी भी नहीं. इससे भी घटिया क्वालिटी, घटियाएस्ट क्वालिटी की आपको ज्वेलरीज मिलेंगे everstylish.com पे. यहाँ पिक्चर में तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे क्वालिटी दिख रहे हैं, बट रियलिटी में ये बिल्कुल खराब है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट. बाकी इस वीडियो में मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया. होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्प मिली होगी आप लोगों को इस वीडियो से. और अगर ऐसा है तो प्लीज मेक श्योर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है. और अगर आपने ये फेस पहली बार देखा है तो हाय, इट्स मी प्रिया. और इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ज्ञान अकेले क्यों लेना, सबको बांटो. तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर.